बोले बागेश्वर धाम सरकार की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ से हैं बहन? अच्छा, पहली बार आई यहाँ? किसी को आपने अपना नाम अपनी समस्या तो नहीं बताई? माइक से बोलो, बिना माइक से बात करनी कोई बात नहीं। हाँ, एक ये भी व्यवस्था है, किसी को भी बिना माइक से बात करनी हो आप हमें बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नजदीक आओ। ठीक, लो हमने लिखा, पूछिए। ठीक, क्या नाम है? द्रव। आपकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लगातार हैरान बनी रहती, आपका नाम ज्योति है, आपके भाई की अर्जी लेकर के आई है, पागलों जैसी स्थिति हो जाती, मानसिक रोग बना हुआ है, 2025 तक पूर्ण ठीक होगा, शादी में भी रुकावट बनी है, पितृ दोष का उपाय करवा दें, आपका भाई नरेंद्र पूर्णतया ठीक होगा, धाम की ही कृपा से आशीर्वाद। क्या ये बात सही है? कोई संदेह? साधना, एक मिनट, हम एक बात है, इनको पागलों जैसी स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती, आपके भाई को पागलों जैसी स्थिति बहुत ज्यादा हो जाती, उल्टा फुल्टा करने लगते हैं, विवाह में रुकावट भी बनी और दो बार बात तय भी हो गई तब भी बात टूट गई है, और आर्थिक तंगी भी माए के पक्ष में बनी हुई है। अब आपके हमने निजी प्रश्न पर भी संकेत करवाया, आप साधना के मार्ग में जाना चाहती, लोगों की मदद करना चाहती, दरबार लगाना चाहती, दरबार के माध्यम से देवी कृपा पाना चाहती, देवी की साधना आप पहले भी कर रही हैं, और राम राम अभी भी आप बहुत लोगों को मार्गदर्शन दे रही हैं देवी कृपा से, लेकिन अभी आपके पास में कोई शक्ति नहीं है, केवल आप मन की बातें अपने जो मन में आता है वो बोलने लगती हैं। तो पहले शुरुआत में कुछ बातें सही हुई, अब सब गलत हो रही, यही है, और काम सफल नहीं हो रहा है, तो लोगों को लेकर के बीच बीच में, अच्छा बीच में एक दो काम सफल हो जाते हैं, तो अभी आपके पास कोई ऐसी गुरु कृपा नहीं है, ना गुरु साधना है, तो आप नवचंडी माता का अगर करना ही चाहती हैं तो पवित्र भाव से, पवित्रता के साथ हम बीज मंत्र दे देते हैं, आप नव चंडी पाठ करें, दरबार की आज्ञा नहीं है, लेकिन आत्म कल्याण करिए पहले, फिर दूसरों का कल्याण करिए, ऐसा आशीर्वाद है। क्या ये एकदम सही है? कोई संदेह? अभी मना ना करना, धीरे धीरे कम कर देना, क्योंकि आपके यहां आशा से बहुत लोग आते हैं, तो इसीलिए हमने आपको पहले बुलाया है, क्योंकि आप घर बैठे भी जब साधना में कई बार सोचते थे तो आपको कई बार ये लगता था क्या हमको भी, हमारे बारे में भी कोई बता सकता है, और आज हमने महिलाओं में इसीलिए तुम्हारा पहले नाम लेकर के बुलाया है कि बिल्कुल बता सकता है, क्योंकि आपका ये, आप घर बैठे ये रोज पूजा में कहती थी कि क्या हमारे बारे में कोई बता सकता, क्या हमारी चर्चा बता सकता है, नहीं गलत भावना से नहीं पर सही भावना से ये तो बोलती थी आप। हाँ, तो हमारा भाई भाई बहुत तेज है बहन जी। हाँ, नहीं हम और भी कुछ बता सकते हैं, आप कहो तो और भी बता दें। अच्छा तो ठीक, चलो अगला नंबर। राम
धाम आइयो बहन जी, हम आपको साधना लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप आत्म कल्याण, पहले खुद का कल्याण, कोई भी कृपा हो, हम पे भी जब सबसे पहले कृपा हुई थी बालाजी की, पहले हमने अपनो भलो करो, पहले घर की अर्जी लगाई, अब पतो लगे खुद की लाइट बुझी धरी, पड़ोसी को बल्ब सुधार रहे हैं, तो पहले आत्म कल्याण फिर दूसरों की मदद, आशीर्वाद। साधु जी,